दोस्तों ये जो साल है 2018 स्मार्टफोन के लिए बिल्कुल एक मेला सा है, क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन इस साल लॉन्च हुए, साथ ही साथ बहुत सारी नई कंपनियां जो है इस साल उभर के सामने आई, जहां पे एक नाम रियलमी का भी है और उन्होंने बहुत ही जल्दी मार्केट शेयर को भी गेन कर लिया बहुत जल्दी। और यहाँ पे बजट सेगमेंट पे भी एक से बढ़ के एक कमाल के स्मार्टफोन देखने को मिले, चाहे वो मिड रेंज का भी सेक्टर हो। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं टॉप 5 कमाल के मिड रेंज डिवाइस के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष, आप देखने हर्ष रॉय वीडियोस। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो ये जो मिड रेंज का सेक्टर है, यहाँ पे भी बहुत सारे डिवाइस को लॉन्च किया गया, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ 5 को पिक किया है अपने अनुसार, अपने नजरिए के हिसाब से जो मेरे को बेहतर लगे हैं। वैसे यहाँ पे जो प्राइस कैटेगरीज है, मैं आपको बता दूं, तकरीबन 20,000 रुपए के आसपास, वहां से लेके यानी कि 1,000 से लेके 20,000 रुपए के बीच में बहुत सारे स्मार्टफोन को लॉन्च किए गए हैं। उनमें से मैं कुछ को पिक करूंगा जो मेरे को बेहतर लगे हैं, टॉप 5 मिड रेंज डिवाइस। तो आइए एक एक करके जानते हैं सबके बारे में। यहाँ पे हमारे लिस्ट का जो पहला स्मार्टफोन निकल के आता है इस मिड रेंज सेक्टर जो 20,000 रुपए तक का सेक्शन है, वहां पे तो पहला स्मार्टफोन है Xiaomi की ओर से आने वाला पोको F1। यहाँ पे मात्र 20,000 रुपए के प्राइस में क्या Xiaomi ने नहीं डाला है। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक फ्लैगशिप लेवल का स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, एक बिल्कुल फ्लैगशिप किलर डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक बेहतर प्रोसेसर, बेहतर कैमरा, बेहतर स्पेसिफिकेशन, ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है आपको 20,000 रुपए के प्राइस में, जो आपको बिल्कुल बेहतर देखने को मिलता है, क्योंकि आपको मात्र 20,000 रुपए के प्राइस में ही उन्होंने स्नैपड्रैगन का 845 मुहैया करा दिया। आपको यहाँ पे कैमराज देखने को मिलते हैं बेहतर, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे तेजी से अपडेट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि लेटेस्ट आपको सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल 20,000 रुपए के आसपास में एक बिल्कुल बेहतर स्मार्टफोन है। इस प्राइस में कोई और स्मार्टफोन नहीं है जो आपको इससे बेहतर स्पेसिफिकेशन मुहैया कराए। तकरीबन इसमें ऐसा स्पेसिफिकेशन है तो तकरीबन 30,000 रुपए के या फिर 35,000 रुपए के आसपास के डिवाइस में आपको देखने को मिलता है। तो इसी कारण ये जो हमारा लिस्ट है इसमें पहला स्मार्टफोन रहा Xiaomi का पोको F1। हमारे लिस्ट का यहाँ पे जो दूसरा स्मार्टफोन निकल के आता है वो आता है Honor की ओर से। Honor ने भी अपने कमाल के डिवाइस Honor Play को लॉन्च किया इसी सेगमेंट में, यानी कि तकरीबन उस डिवाइस को भी 20,000 रुपए के आसपास लॉन्च किया गया था, लेकिन फिलहाल के लिए 16,000 रुपया और साथ ही साथ Honor के कुछ ऑफिशियल स्टोर पे आपको ये 15,000 रुपए के आसपास भी देखने को मिल जाता है 1,000 रुपया कैशबैक के साथ। तो ओवरऑल जो 16,000 या फिर 15,000 का जो सेगमेंट है, यहाँ पे कोई और डिवाइस नहीं है जो इसे किल करता है परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि यहाँ पे आपको GPU टर्बो का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत कमाल का निकल के आएगा। प्रोसेसर एक नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, हाई सिलिकॉन Kirin 970, जो बिल्कुल पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, यानी कि बोले तो तकरीबन एक बेहतर सा प्रोसेसर है जो आपको 30,000 रुपए के आसपास के प्राइस सेगमेंट में जो स्मार्टफोन होता है वहां पे देखने को मिलता है, लेकिन Honor ने इसे मात्र 20,000 रुपए में ही दे दिया आपको, और साथ ही साथ आजकल तो ये आपको 16,000-15,000 रुपए में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कैमरा है इस डिवाइस का ओवरऑल उतना बेहतर नहीं है, लेकिन काफी हद तक ठीक है, ऑन एवरेज एक ठीक कैमरा है, गुड कैमरा है, लेकिन वेरी गुड कैमरा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा कैमरा के मामले में समझौता करना होगा। हमारे लिस्ट का जो तीसरा स्मार्टफोन निकल के आता है वो भी है Honor की ओर से, इसका नाम है Honor 8X। ये भी आपको 15,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कमाल के स्पेसिफिकेशन, चाहे वो कैमरा वाइज हो, प्रोसेसर वाइज हो, या फिर और भी कोई स्पेसिफिकेशन हो, आपको इस डिवाइस में तगड़ा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है हाई सिलिकॉन Kirin 710, जिसे 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे डिजाइन किया गया है, जो बहुत कमाल की बात है। आपको कैमरा डुअल देखने को मिल जाता है, रियर साइड में 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट साइड में भी आपको कमाल का कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि कैमरे के मामले में जो आउटपुट है इस डिवाइस का वो बहुत कमाल का है। साथ ही साथ प्रोसेसर भी बेहतर, यानी कि परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस का बेहतर, कैमरा परफॉर्मेंस भी बेहतर, तो ओवरऑल जो कंप्लीट पैकेज है वो भी आपको बेहतर देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया इसका जो प्रोसेसर है उसे 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे डिजाइन किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो यहां पे आपको बैटरी बैकअप होगा वो भी बेहतर देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट पैकेज यहाँ पे भी आपको बेहतर देखने को मिल जाता है इस 15,000 रुपए के प्राइस में। वैसे तो यहाँ पे जो कैमरा है काफी हद तक बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको नाइट मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे अगर बिना नाइट मोड यानी कि कोई यूज किए हुए किसी प्रकार का मोड एक नॉर्मल से पिक्चर लेंगे अंधेरे में, तो कहीं ना कुछ तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ यहाँ पे Honor की ओर से कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ मोड देखने को मिलते हैं जिन्हें अगर आप यूज करते हैं अंधेरे में तो ओवरऑल जो आपका पिक्चर है वो आपको बेहतर देखने को मिलेगा।
हमारा लिस्ट का चौथा स्मार्टफोन ये आता है Realme की ओर से। यहाँ पे हमने Realme के दो स्मार्टफोन को शामिल किया है, एक है Realme का U1, एक है Realme का 2 Pro। Realme 2 Pro, Realme U1 दोनों बहुत कमाल के डिवाइसेस हैं। मैंने आपको बताया जो Realme है इसी साल भारत में इंटर की है और साथ ही साथ इस कंपनी ने मात्र कुछ महीने में ही 6 से 7 महीने के टाइम में ही इतना मार्केट शेयर गेन कर लिया है जिससे काफी हद तक अंदाजा लगाए तो लगता है ये जो कंपनी है तकरीबन बहुत सालों से ही एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हाल में ही इस कंपनी का जन्म हुआ है। ओपो की ओर से उनका सब ब्रांड था ये रियलमी। यहाँ पे इन्होंने भी कुछ डिवाइसेस को लॉन्च किया, शुरुआत में रियलमी 1 को लॉन्च किया, उसने भी तहलका मचा के रख दिया। रियलमी 2 प्रो को लॉन्च किया गया, ये भी कमाल का डिवाइस है। यहाँ पे निकल के आता है रियलमी का U1, ये भी कमाल का डिवाइस है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज आपको यहाँ पे बेहतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कैमरा सेगमेंट में थोड़ी सी कटौती करनी पड़ेगी, समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल का यानी कि बेहतर, बहुत बेहतर कैमरा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बेहतर कैमरा है। प्रोसेसर बेहतर देखने को मिलता है, रैम वगैरह बेहतर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो डिवाइस है गुड पैकेज है, Realme U1 भी और Realme का 2 Pro भी। हमारे लिस्ट का पांचवा अंतिम स्मार्टफोन निकल के आता है, यह है Xiaomi की ओर से। Xiaomi का ही डिवाइस Redmi Note 6 Pro या फिर Note 5 Pro। Note 6 Pro तो उतना कमाल का है नहीं, क्योंकि काफी हद तक इसका जो स्पेसिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाता है Note 5 Pro से। काफी हद तक यहाँ पे कुछ चेंजिंग किया गया है, जैसा कि नॉच वगैरह को बैठा दिया गया है, और ओवरऑल ज्यादातर जो स्पेसिफिकेशन है Note 5 Pro से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं एक और डिवाइस को रखना चाहूंगा MIA2, यह भी बहुत बेहतर डिवाइस है। और ओवरऑल जो मैंने आपको पांच डिवाइसेस के बारे में बताया, वैसे तो यहाँ पे पांच नहीं, पांच से अधिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बिल्कुल 8 स्मार्टफोन, क्योंकि शुरुआत में एक एक स्मार्टफोन था 3 तक, और वहां पे अंतिम के जो 4 और 5 थे यहां पे आपको 2 और 3 देखने को मिल गया, तो यहां पे 5, 3, 8 हो गया। लेकिन ओवरऑल जो डिवाइसेस हैं सब बहुत कमाल के हैं जो इस सेगमेंट में देखने को मिले। वैसे तो मैंने एक बेहतर स्मार्टफोन का नाम तो छोड़ ही दिया जो Asus की ओर से आता है Zenfone Max Pro N2, इसे तो मुझे शुरुआत में ही रखना चाहिए था, लेकिन यहां पे कुछ डिवाइसेस को रख लिया इसके कारण इसका नाम नहीं आया। लेकिन इसका भी नाम मैं लेना चाहूंगा, जो Zenfone Max Pro N2 है बहुत कमाल का डिवाइस है। इसमें जो आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, प्रोसेसर देखने को मिलता है, कैमरा देखने को मिलता है, जो बिल्कुल लाजवाब है। काफी हद तक Note 5 Pro, Note 6 Pro सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वाला डिवाइस है, एक बेहतर स्पेसिफिकेशन वाला डिवाइस है इस प्राइस सेगमेंट में। तो बस दोस्तों ये कुछ कमाल के स्मार्टफोन थे जो मेरे को पर्सनली पसंद आते हैं इस प्राइस में। और भी बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो आपको इस प्राइस में देखने को मिल जाते हैं जो बेहतर हैं, लेकिन काफी हद तक उनमें से ये पांच बेहतर कमाल का स्मार्टफोन निकल के आता है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।